Travels, how may I help you? Can I speak to Jagdish, please? Jagdish to hai nahi, how can I help you? This is Vinod. Humne Jagdish ji se aapki travel agency se package liya tha. We went to California, US. Now we are back. Sir, aapke itinerary mein koi problem nahi thi? Koi problem nahi thi itinerary mein. In fact, flight bhi on time thi. I hope you enjoyed your tour. Absolutely, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, but let me be very frank with you, हम बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। What happened? पर मेरा मूड यूँ ख़राब है कि जब मैं US गया था, तो वहाँ पे एक दोस्त बन गया था मेरा, Andrew नाम था उसका, तो मैं उससे पूछा था, Andrew ये Google कब लॉन्च हुआ था? तो उसने मुझे बताया कि कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ था और 4 फरवरी 2004 में। उसके बाद एंड्रयू ने पूछा कि 4 फरवरी 2004 को आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में ये डिसाइड कर रहे थे कि दलित की शादी ब्राह्मण से हो सकती है या नहीं। सडनली मुझे याद आया कि मैं ट्विटर भी यूज करता हूँ। मैंने पूछा उसे, मैंने कहा एंड्रयू ये ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ही सेड कि ट्विटर 21 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था। फिर उसने पूछा कि 21 मार्च 2006 को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा तरुण हम अपने काम में बिजी थे, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मतलब मुस्लिम ये चाह रहे थे कि हिंदू कुमारे और हिंदू ये चाह रहे थे कि मुस्लिम कुमारे, तो हम यहाँ थोड़े से बिजी थे। देन आई रियलाइज कि व्हाट्सएप कमाल की चीज़ है। आई आस्क्ड हिम एंड्रयू व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ था? ही सेड व्हाट्सएप 2010 फेब में लॉन्च हुआ था। तो उसने पूछा 2010 फेब को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम 2010 में आरक्षण पर लड़ रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, आग लगा रहे थे दुकानों को, तो हम वहां बिजी थे। तो मुझे ये भी याद आया कि यार यही वो जगह है जहां से दुनिया का पहला इंसान चांद पे गया था। मैंने पूछा कब गया था? उसने कहा कि 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गया था। तो उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे थे 12 जुलाई 1969 को? हम चांद पे तो क्या जाते हैं, हम जमीन से ही बाहर निकले थे, हम लड़कियों को मार रहे थे उस टाइम पे, लड़की पैदा होती थी तो हम गला घोट देते थे, तो हमारे पास टाइम था ही नहीं ये सोचने का। मैंने उससे पूछा एंड्रयू अभी अभी हाल फिलहाल में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था? उसने कहा यार 2014 मार्च में। तो उसने मुझसे पूछा आप इंडिया में क्या कर रहे थे 2014 मार्च में? मैंने कहा वहां पे ये डिसाइड कर रहे थे कि कितने मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, कितने हिंदुस्तान रह सकते हैं। ये ना एक कमाल की चीज है इंस्टाग्राम। तो मैंने उसे पूछ लिया कि इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? ही सेड 2012 जून। तो उसने मुझसे पूछा 2012 जून में आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम तो बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत सारी चीजें बैन करानी थी हमें, तो हम इसमें लगे हुए थे कि ये भी बैन करना है, ये बैन नहीं करना है, तो हमारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ इंस्टा की तरफ। मैंने उससे पूछा यार आप लोग आप डेवलप कंट्री हैं और सुपर पावर हैं, तो ये कब किया आपने? उसने बताया स्कूल टाइम से ही हम पढ़ रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री हैं और हम सुपर पावर हैं। तो उसने मुझसे पूछा स्कूल टाइम में आप क्या देख रहे थे? मैंने ये कहा कि हम ये देख रहे थे कि कौन सा मजहब ज्यादा बुरा है, कौन सा मजहब की ज्यादा बुराई करनी चाहिए। दिन मुझे याद आया गूगल लॉन्च हुआ, मैंने उससे पूछा एक बात बताइए गूगल का सीईओ कौन है? ही सेड सुंदर पिचाई। मुझे याद आया तो इंडिया से। मैंने पूछा आपको जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा मिस्टर नडेला। फिर मैंने कहा कि ये तो इंडिया से। देन मैंने उससे पूछा यार ये पेप्सिको का सीईओ कौन है? उसने कहा इंदिरा कृष्णा मूर्ति। मैंने कहा ये तो इंडियन है। यू नो क्रेडिट कार्ड वहां हर इंसान की जेब में है, तो मैंने उससे पूछा यार ये जो मास्टर कार्ड है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा अजय पाल सिंह बंगा। सर ये तो इंडियन है। तो एंड्रयू ने मुझसे कहा यार एक बात बताओ ये सब यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और यहाँ काम करते हैं ये और हंसी खुशी करते हैं, ये इंडिया में रहकर आप सबको क्या हो जाता है? मैंने उसे समझाया कि यार ये तो प्रॉब्लम है हमारी कि इंडिया में रहकर हमें क्या हो रहा है। हाँ जाते जब मैं वापस आ रहा था मैं उसको ये वादा करवा के आया था कि सोचिए हमारे 3 लोग आए आपके पास और आपको चमका रखा है, अगर मजहब की बात छोड़ के हम अपने मुल्क की तरक्की पर लग जाएं तो सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। बस ये छोटे से ट्रिप से मैंने ये सीखा है और कोशिश करेंगे जब अगली बार मैं जाऊं तो हम उनके बराबर नहीं उनसे आगे खड़े हों क्योंकि हम खड़े हो सकते हैं। मैं आरजे नवीद बोल रहा हूं और आपके पैकेज ने काफी कुछ सिखा दिया मुझे एंड आई एम सो सॉरी आपका काफी वक्त ले लिया मैंने। I don't know, हम इन चीजों से कब निकलेंगे? बहुत जल्दी निकलेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज की, और इन चीजों को जब खत्म कर देंगे तो हम उनसे उनके बराबर नहीं उनसे आगे खड़े हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। मैंने आपको सिर्फ इसीलिए कॉल किया था कि लोगों को समझाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता इससे बेहतर, तो हो सकता है ऐसे समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच तरुण, और मैं कभी गया तो मैं आपसे जरूर पैकेज लूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।